रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। आई होप दैट यू विल आल्सो बी फाइन। आई एम मोहम्मद हुसैन, योर मैथमेटिक्स टीचर, वेलकम यू इन डीपीएस डिजिटल क्लास। लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड फेज ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स। We are doing chapter number 12 of first year mathematics, which is about application of trigonometry. And today is lecture number 1 of second phase. The topic of today's lecture is area of triangle. In this lecture, we will cover exercise 12.7 completely and examples related to exercise 12.8. Area of triangle. There are three cases to find the area of triangle. First of all, we discuss case number 1. To find the area of triangle in terms of the measures of two sides and their included angle. When we are given measures of two sides and included angle, then we use this formula to evaluate the area of triangle. Area of triangle ABC is equal to 1 over 2 BC sin alpha, or 1 over 2 CA sin beta, or 1 over 2 AB sin gamma. In तीनों में से कोई एक formula हम use करेंगे according to the given data. इनमें से एक formula हम prove कर लेते हैं. Area of triangle. एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम ये ट्राइंगल का साइन यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 ओवर 2 ए बी साइन गैमा। इसे हम प्रूव करते हैं। वी शैल प्रूव विद यूजुअल नोटेशंस। ए बी लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल सी, बी सी इज इक्वल टू स्मॉल ए सी इज इक्वल टू स्मॉल बी। From point A, draw perpendicular AD on side BC. So in right angle triangle ACD, we have sine gamma is equal to perpendicular over hypotenuse, AD over AC. यहां से हम AD की वैल्यू निकाल लेते हैं। AD is equal to AC sine gamma. AC की जगह पे B हमने पुट कर दिया। एडी जो कि यहां पर पेंडिकुलर है, दिस इज इक्वल टू बी साइन गैमा। लेट डेल्टा डिनोट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 बेस इनटू एल्टीट्यूड। ये फार्मूला तो है किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का। इसमें बेस हमने बीसी लिया हुआ है और एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर ये एडी के इक्वल है। इसमें बीसी की जगह पे हम ए पुट करते हैं और एडी की जगह पे बी साइन गैमा जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 1 ओवर 2 ए बी साइन गैमा। सिमिलरली हम दूसरे फार्मूलाज को भी प्रूव कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा इज इक्वल टू 1 ओवर 2 बी सी साइन अल्फा या 1 ओवर 2 सी ए साइन बीटा। अब हम एक्सरसाइज 12.7 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी गिवन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। दो साइड्स और उनके दरमियान वाला एंगल हमें गिवन है। बी और सी साइड गिवन है तो उनके दरमियान वाला एंगल अल्फा है। बी की वैल्यू 37, सी की वैल्यू 45 और अल्फा है 30 डिग्री 50 मिनट्स। तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 ओवर 2 बी सी साइन अल्फा। इसमें बी की वैल्यू 37, सी की वैल्यू 45 और अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री 50 मिनट्स हमने पुट कर देने। इसके बाद ये एवेल्युएट कर दिया हमने, साइन की वैल्यू पुट कर दी।
37 मल्टीप्लाई बाई 45 डिवाइड बाई 2 किया तो 832.5 आ गया। साइन 30 डिग्री 50 मिनट्स ये होते हैं 0.5125। इन दोनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 426.69 स्क्वेयर यूनिट्स। क्योंकि ये एरिया है तो एरिया हम लिखते हैं स्क्वेयर यूनिट्स में। सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ द मेजर्स ऑफ वन साइड एंड टू एंगल्स। जब हमें एक साइड और दो एंगल्स गिवन हो तो उस सूरत में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। इन ए ट्राइंगल ए बी सी विद यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर टू साइन अल्फा, या एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन गैमा इंटू साइन अल्फा ओवर टू साइन बीटा, या ये सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर टू साइन गैमा। ये अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा इन तीनों में से हम फार्मूला सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा फार्मूला हम क्वेश्चन में हमने यूज करना है। तीनों में से एक हम प्रूव कर लेते हैं। सपोज हम ये प्रूव करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सी स्केयर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर टू साइन गैमा। ये लास्ट वाला हम प्रूव करने जा रहे हैं। ये हम स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन होता है ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो हम इसमें ए भी इन टर्म्स ऑफ सी निकाल लेते हैं और बी को भी इन टर्म्स ऑफ सी निकाल लेते हैं। तो ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा से हमें मिल गया ए इज इक्वल टू सी इन टू साइन अल्फा ओवर साइन गैमा। साइन अल्फा को हम इधर सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये उधर जाके सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली बी इज इक्वल टू सी इन टू साइन बीटा ओवर साइन गैमा। अभी हमने जो ऊपर प्रूव किया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है 1 ओवर 2 ए बी साइन गैमा, इसमें ए की ये वैल्यू और बी की ये वैल्यू पुट कर दें। ए की वैल्यू है सी इंटू साइन अल्फा ओवर साइन गैमा और बी की वैल्यू है सी इंटू साइन बीटा ओवर साइन गैमा इंटू ये साइन गैमा। तो सी इंटू सी सी स्क्वेयर ऊपर आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा और नीचे ये एक साइन गैमा से कट गया नीचे टू साइन गैमा आ गया। तो एक हमने ये फार्मूला प्रूव कर दिया है। सिमिलरली हम बाकियों को भी प्रूव कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर टू, इसका पार्ट नंबर टू करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी गिवन वन साइड एंड टू एंगल्स। जब हमें एक साइड और दो एंगल्स गिवन हो तो फिर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हमें सी की वैल्यू 32 गिवन है, अल्फा इज इक्वल टू 47 डिग्री 24 मिनट्स एंड बीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री 16 मिनट्स है। तो दो एंगल्स हमें गिवन है, थर्ड एंगल हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से गैमा की वैल्यू आ जाएगी, गैमा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। इसमें अल्फा और बीटा की ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा की जगह पे लिखा 47 डिग्री 24 मिनट्स माइनस बीटा की जगह पे लिखा 70 डिग्री 16 मिनट। 180 में से इन दोनों को माइनस किया तो गैमा की वैल्यू आ गई 62 डिग्री 20 मिनट्स। अब हम ये फार्मूला यूज करते हैं जिसमें सी यूज होता हो, अल्फा और बीटा और ये गैमा एंगल हमें गिवन है। ऊपर जो हमने फार्मूलाज किए हैं, जब हमें दो एंगल्स गिवन हो तो थर्ड एंगल हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूज करेंगे जिसमें ये सी यूज होता हो। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 ओवर 2 सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर साइन गैमा। इसमें राइट हैंड साइड में तमाम वैल्यूज हमें नोन है, हम पुट करते हैं। इन प्लेस ऑफ सी वी पुट 32, इन प्लेस ऑफ अल्फा वी पुट 47 डिग्री 24 मिनट, इन प्लेस ऑफ बीटा वी पुट 70 डिग्री 16 मिनट और डिनोमिनेटर में साइन गैमा है तो गैमा की ये वैल्यू हम पुट करते हैं 62 डिग्री 20 मिनट्स। कैलकुलेटर से आप इनकी वैल्यूज लिखें, 32 का स्क्वायर 1024, साइन 47 डिग्री 24 मिनट कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाली 0.7361। सिमिलरली साइन 70 डिग्री 16 मिनट इसकी वैल्यू 0.9413 और नीचे है साइन 62 डिग्री 20 मिनट्स, ये टू इधर मल्टीप्लाई हो गया, साइन 62 डिग्री 20 मिनट्स इसकी वैल्यू 0.88857।
इन सब को ऊपर न्यूमिरेटर को सबको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 709.52/1.77। इनको डिवाइड करने के बाद 400.8 स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें हमें गिवन है द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1:1.34 इफ अल्फा इज इक्वल टू 32° 50' एंड बीटा इज इक्वल टू 65° 37' देन फाइंड सी एंड गामा। तो दो एंगल्स हमें गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है और हमने एक साइड और थर्ड एंगल फाइंड करना है। थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हम ये यूज करते हैं सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180°, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180° होता है। यहां से हम गैमा की वैल्यू निकाल लेते हैं, 180° माइनस अल्फा माइनस बीटा। इसमें आप अल्फा और बीटा की ये वैल्यूज पुट कर दें, अल्फा की वैल्यू है 32° 15' और बीटा की वैल्यू है 65° 37'। 180 में से इसको माइनस किया तो गैमा की वैल्यू आ गई 82° 8'। अब ये हम फार्मूला यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जिसमें ये सी यूज होता हो, 1/2 c² sin α sin β और साइन गैमा। इसमें ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है 1:1.34, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह पे ये वैल्यू लिख देंगे, सी स्केयर हमने फाइंड करना है और इधर अल्फा और बीटा और गैमा की वैल्यूज पुट कर देनी है। चूंकि हमने सी स्केयर फाइंड करना है तो ये नीचे डिनोमिनेटर में 2 × sin 82° 8' ये 1:1.34 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये वाला डिनोमिनेटर में हिस्सा आ जाएगा sin 32° 15' और sin 65° 37', ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो सी स्केयर की ये वैल्यू आ गई। अब ये तमाम वैल्यूज आपने कैलकुलेटर से देख के लिख देनी है। साइन 82° 8' की वैल्यू है 0.9906, sin 32° 15' की वैल्यू 0.5336 और sin 65° 37' की वैल्यू है 0.9108। कैलकुलेटर से आपने न्यूमिरेटर्स में सबको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख देना है 240.399 और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा 0.486। अब इनको डिवाइड कर दें तो सी स्केयर की वैल्यू आ जाती है 494.65। सी फाइंड करने के लिए टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, 494.65 का स्केयर रूट लिया तो ये 22.24 सी की वैल्यू आ गई। अब अगला केस डिस्कस करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं जो हमने पीछे पढ़ रखे हैं वो आगे यूज होंगे, इसलिए हम पहले इनको रिवाइज कर लेते हैं। इनको कहते हैं हाफ एंगल फार्मूलाज। ये साइन अल्फा ओवर 2 ये होता है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी। अगर इधर अल्फा है तो आप देखें कि अल्फा की अपोजिट साइड ए होती है तो इसमें ए यूज नहीं होगा, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी आएगा। इस तरह साइन बीटा ओवर 2 है तो इसमें बी नहीं आता, एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी। और साइन गैमा ओवर 2 विल बी इक्वल टू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी। आपने इनको याद कर लेना है। और इस तरह से कॉस अल्फा ओवर 2 ये होता है एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी स्केयर रूट। कॉस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी स्केयर रूट। कॉस गैमा ओवर 2 इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी स्केयर रूट। आपने इनको लर्न कर लेना है। इस तरह से टैन अल्फा ओवर 2 साइन अल्फा ओवर 2 और कॉस अल्फा ओवर 2 इनको डिवाइड कर देना है तो ये बी सी बी सी से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस माइनस ए स्केयर रूट। और टैन बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस बी। एंड टैन गैमा ओवर 2 इज इक्वल टू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी स्केयर रूट। इसके अलावा ये एक फार्मूला ये भी यूज होगा आगे चल के, ये अभी से हम डिस्कस कर लेते हैं। साइन 2 अल्फा ये होता है 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इसमें आपने 2 अल्फा की जगह पे एक थीटा वैल्यू पुट कर दें और अल्फा यहां से आ जाएगा थीटा ओवर 2, ये वैल्यू इसमें पुट करें। साइन 2 अल्फा इसकी जगह पे थीटा हमने पुट कर दिया तो 2 साइन अल्फा की जगह पे थीटा ओवर 2 इंटू कॉस अल्फा की जगह पे थीटा ओवर 2। तो साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा ओवर 2 इंटू कॉस थीटा ओवर 2।
अब हम थर्ड केस डिस्कस करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ मेजर ऑफ इट्स साइड्स। जब हमें कोई एंगल ना दिया हो बल्कि तीनों साइड्स गिवन हो तो फिर हमने कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ना वो फाइंड करना है। इन ए ट्राइंगल ए बी सी विद यूजुअल नोटेशंस, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कोई भी एक ले लेते हैं जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, 1/2 इंटू बी सी साइन अल्फा। तीन हमने ये इसके शेप्स कंसिडर की थी, तीनों में से जौन सी मर्जी हम डिस्कस कर सकते हैं, 1/2 बी सी साइन अल्फा या 1/2 ए सी साइन बीटा या 1/2 ए बी साइन गैमा, तीनों में से जौन सा मर्जी हम यहाँ पे केस ले सकते हैं। अब इसमें 1/2 बी सी साइन अल्फा हमने लिया है तो साइन अल्फा को हम लिख लेते हैं 2 साइन अल्फा ओवर 2 इंटू कॉस अल्फा ओवर 2। अब इसमें हम हाफ एंगल फार्मूला यूज करते हैं, साइन अल्फा ओवर 2 की वैल्यू होती है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी होल स्केयर रूट, कॉस अल्फा ओवर 2 की वैल्यू होती है स्केयर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। आप ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे कर दें, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल स्केयर रूट, नीचे बी सी इंटू बी सी, बी सी स्केयर बन जाएगा और फिर इसका स्केयर रूट है, स्केयर एंड स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो नीचे ये बी सी आ गया। ये वाला बी सी हम इस बी सी से कैंसिल कर देते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फार्मूला को हीरोज फार्मूला भी कहा जाता है। अगर हमें तीन साइड्स गिवन हो तो इस तरीके से हम ये एस फाइंड करते हैं। एस इसमें क्या होता है, तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाय 2, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल गिवन थ्री साइड्स आर, ए की वैल्यू है 32.65, बी इज इक्वल टू 42.81 और सी इज इक्वल टू 64.92। पहले हम एस निकालते हैं, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, तीनों का सम करके 2 पे डिवाइड कर दिया, 32.65 प्लस 42.81 प्लस 64.92, इसका सम आ गया 140.38, इसको 2 पे डिवाइड कर दिया, 140.38 इसको 2 पे डिवाइड कर दिया, 70.19। अब हम s माइनस a लेते हैं, s की वैल्यू है 70.19 माइनस a की वैल्यू है 32.65, तो ये आ गया 37.54। इसी तरह से s माइनस b हम निकालते हैं, 70.19 माइनस b की वैल्यू है 42.81, तो ये 27.38 आ गया। s माइनस c इज 70.19 माइनस 64.92 इज इक्वल टू 5.27। हीरोज फार्मूला लिखते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा से मुराद एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्केयर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये चारों वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, एस की वैल्यू 70.19, एस माइनस ए की वैल्यू 37.54, एस माइनस बी की वैल्यू 27.38 एंड एस माइनस सी की वैल्यू 5.27। कैलकुलेटर से इन चारों को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 380201.3, इसका स्केयर रूट लिया तो ये बन गया 616.6 स्केयर यूनिट्स। अब हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं। व्हाट इज सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल क्या होता है, अ सर्कल पासिंग थ्रू थ्री द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड अ सर्कम सर्कल। एक सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करे आउटसाइड द ट्राइंगल, उस सर्कल को हम कहते हैं सर्कम सर्कल। इट सेंटर इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड इट्स रेडियस इज कॉल्ड सर्कम रेडियस एंड इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर। इसमें हमारे लिए ये सर्कम रेडियस जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ये एक रिलेशन हमने याद करना है, आर इज इक्वल टू ए ओवर 2 साइन अल्फा या आर इज इक्वल टू बी ओवर 2 साइन बीटा या आर इज इक्वल टू सी ओवर 2 साइन गैमा। एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है रिलेटेड टू कैपिटल आर सर्कम रेडियस के लिए, एक और अहम रिलेशन, कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा।
ये हम प्रूव करते हैं। अभी हमने ये ऊपर ये रिलेशन पढ़ा है R इज इक्वल टू ए ओवर टू साइन अल्फा, इन तीनों में से कोई एक रिलेशन लेके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर प्रूव करने के लिए R इज इक्वल टू ए ओवर टू साइन अल्फा लिया है, आप R इज इक्वल टू बी ओवर टू साइन बीटा भी ले सकते हैं, R इज इक्वल टू सी ओवर टू साइन गामा भी ले सकते हैं। तो इसमें हमने ये कैपिटल R इज इक्वल टू ए ओवर टू साइन अल्फा से स्टार्ट किया है, साइन अल्फा को हमने हाफ एंगल फॉर्म में लिखा है, ए ओवर टू साइन अल्फा इज इक्वल टू टू इंटू साइन अल्फा ओवर टू इंटू कॉस अल्फा ओवर टू। अब ये हाफ एंगल फार्मूला इसमें लिखते हैं, साइन अल्फा ओवर टू ये होता है एस माइनस बी ओवर एस माइनस सी ओवर बी सी होल स्क्वायर रूट, और कॉस अल्फा ओवर टू ये होता है एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी होल स्क्वायर रूट। या आर इज इक्वल टू फोर इंटू, इसको हमने ए की स्क्वायर रूट के नीचे लिख लिया, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट, और नीचे बी सी इंटू बी सी स्क्वायर रूट था तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अब ये बी सी ऊपर न्यूमिरेटर बन जाएगा, ए बी सी इज इक्वल टू फोर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हीरोज फार्मूला के मुताबिक ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिलेशन हमें मिल गया आर इज इक्वल टू ए बी सी ओवर फोर डेल्टा। दूसरी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, इन सर्कल द सर्कल ड्रॉन इन साइड ए ट्राइंगल टचिंग इट्स थ्री साइड्स इज कॉल्ड इट्स इनस्क्राइब्ड सर्कल आर इन सर्कल, इट्स सेंटर इज नोन एज द इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ये एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स होते हैं, तीनों एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स होते हैं उनका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। इट्स रेडियस इज कॉल्ड इन रेडियस एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। इसमें ये इन रेडियस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ये रिलेशन है आर इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस, वे डेल्टा इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल और एस होता है तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाय टू। थर्ड डेफिनेशन है एस्क्राइब्ड सर्कल्स की, एस्क्राइब्ड सर्कल अ सर्कल विच टचेज वन साइड ऑफ द ट्राइंगल एक्सटर्नली एंड द अदर टू प्रोड्यूस्ड साइड्स इंटरनली इज कॉल्ड एन एस्क्राइब्ड सर्कल आर एक्स सर्कल, या इसको ई सर्कल भी कह देते हैं। द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स विच आर कॉल्ड एक्स सेंटर्स आर द पॉइंट्स वेयर द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ वन एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल मीट। In triangle ABC, center of the X circle opposite to the vertex A is usually taken as I1 and its radius is denoted by R1. Similarly, centers of X circles opposite to the vertices B and C are taken as I2 and I3 and their radii are denoted by R2 and R3 respectively. अब इनके लिए relation है, ये जो radii हमने कहे हैं ascribed radii, R1 is equal to delta over S minus A, R2 is equal to delta over S minus B, R3 is equal to delta over S minus C. ये हमने याद रखने हैं, आगे ये questions में use होंगे। Example number 1, page number 381, show that R is equal to S minus A into tangent alpha over 2, या R is equal to S minus B into tangent beta over 2, या R is equal to S minus C into tangent gamma over 2. अब इसमें कोई एक हम प्रूव कर लेते हैं, फर्ज करें ये हम पहले वाला ही प्रूव करते हैं, R इज इक्वल टू एस माइनस ए इंटू टेंजेंट अल्फा ओवर टू। इसमें टेंजेंट अल्फा ओवर टू ये हाफ एंगल फार्मूला हम लगाते हैं, टेंजेंट अल्फा ओवर टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दें, एस माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। अब इसमें आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने हैं, ये जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है एस इंटू एस माइनस ए, इसी से स्क्वायर रूट के साथ इसी से मल्टीप्लाई कर देना है और इसी से हमने डिवाइड कर देना है। ऊपर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्सप्रेशन एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और नीचे इनको मल्टीप्लाई करेंगे एस इंटू एस एस स्क्वायर और एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट सबके साथ, ऊपर वाले का स्केयर रूट ऊपर कर दें नीचे वाले का नीचे कर दें,
तो ऊपर ये s इंटू एस माइनस ए, स्केयर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और नीचे ये स्केयर एंड स्केयर रूट इनके कैंसिल हो जाएंगे, s इंटू एस माइनस ए, ये s माइनस ए से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया डेल्टा और s। अब हमने पीछे पढ़ा था कि डेल्टा और s जो है वो r के इक्वल होता है, तो ये प्रूव हो गया r इज इक्वल टू s माइनस ए इंटू टेंजेंट अल्फा ओवर 2। इसी तरह बाकी भी हम ये प्रूव कर सकते हैं, s माइनस बी इंटू टेंजेंट बीटा ओवर 2 लेकर, और इसको उसके रिलेटेड अगर ये अल्फा ओवर 2 था तो हमने टेंजेंट अल्फा ओवर 2 का हाफ एंगल फार्मूला यूज किया, अगर टेंजेंट बीटा ओवर 2 लेते हैं तो फिर इसका हाफ एंगल फार्मूला यूज करेंगे। नाउ वी डिस्कस एग्जांपल नंबर 3 ऑन पेज नंबर 383। प्रूव दैट 1 ओवर r स्क्वायर प्लस 1 ओवर r1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर r2 स्क्वायर प्लस 1 ओवर r3 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर डेल्टा स्क्वायर। अब ये सारे फार्मूलाज अभी हमने जो डिस्कस किए हैं, r इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s, r1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s माइनस a, r2 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s माइनस b एंड r3 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s माइनस c, ये इसमें हम यूज करेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में है 1 ओवर r स्क्वायर प्लस 1 ओवर r1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर r2 स्क्वायर प्लस 1 ओवर r3 स्क्वायर। तो आप ये इनकी वैल्यूज जब पुट करेंगे, r है डेल्टा ओवर s, जब 1 ओवर r करेंगे तो s ऊपर चला जाएगा और डेल्टा नीचे आ जाएगा, इनके स्क्वायर ले लेंगे s स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर, ये इनके रेसिप्रोकल्स आ जाएंगे, और स्क्वायर के साथ 1 ओवर r1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू s माइनस स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और डेल्टा स्क्वायर नीचे। इसी तरह से 1 ओवर r2 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा s माइनस बी होल स्केयर ओवर डेल्टा स्केयर, और 1 ओवर r3 स्केयर ये ऊपर चला जाएगा s माइनस सी होल स्केयर ओवर डेल्टा स्केयर। डेल्टा स्केयर सब का हमने एलसीएम ले लिया और ये सारा एक्सप्रेशन ऊपर आ गया, s स्केयर प्लस s माइनस a होल स्केयर प्लस s माइनस b होल स्केयर प्लस s माइनस c होल स्केयर ओवर डेल्टा स्केयर। इनके स्केयर ओपन कर ले, s स्केयर प्लस s स्केयर प्लस a स्केयर माइनस 2as, s स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2bs, s square plus c square minus 2cs over delta square, ऊपर ये 1, 2, 3, 4 s square आ जाएंगे, इनमें से minus 2s common ले ले, minus 2as, minus 2bs, minus 2cs, minus 2s common ले लिया तो bracket में ये आ गया a plus b plus c, और ये a square plus b square plus c square ये end पे लिख दिया हमने, over delta square। We know that a plus b plus c over 2 ये s के equal होता है, 2 को इधर multiply कर दिया, तो 2s is equal to a plus b plus c, तो ये आ गया 4s square minus 2s into 2s plus a square plus b square plus c square over delta square, 4s square minus 4s square ये cancel हो जाएंगे, तो ये आ गया a square plus b square plus c square over delta square, यही right hand side है जो कि हमने prove करनी थी। अब आपके लिए ये दो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ये आपने होमवर्क के तौर पे करना है इसको। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी गिवन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। ये दो साइड्स गिवन है, ए इक्वल टू 200, बी इज इक्वल टू 120 एंड गामा इज इक्वल टू 150 डिग्री। आपने इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है गिवन वन साइड एंड टू एंगल्स। इसमें हमें एक साइड और दो एंगल्स गिवन है, बी इज इक्वल टू 25.4, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री 17 मिनट एंड गैमा इज इक्वल टू 36 डिग्री 41 मिनट। इन क्वेश्चंस को आप कीजिएगा। दिस इज एंड ऑफ लेक्चर।